हाँ भी नमस्कार सभी साथियों को स्वागत आप सभी का बिलीसर फायर कोचिंग क्लासेस नारनौल हरियाणा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक विवादित फायरमैन भर्ती के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान फायरमैन भर्ती के बारे में। दोस्तों फिलहाल हर एक स्टूडेंट को पता है कि लगभग दो ही भर्तियां फिलहाल जो चर्चा के अंदर देखने में है, एक राजस्थान फायरमैन भर्ती और दूसरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ फायरमैन भर्ती। हम उसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ फायरमैन भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें अभी कुछ ही दिनों पहले लगभग फायरमैन के अंदर 2650 जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए और उनके 18 मई से जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो स्टार्ट कर दिया गया। पर डे के 300 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए हैं। उसी विवादित भर्ती के बारे में आज हमें बात करने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आप सभी को जो है वो बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें बात कर रहे थे इसका जो फिजिकल है चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायरमैन भर्ती का। सबसे पहले 100 मीटर की जो दौड़ है आप सभी को 60 केजी वेट के साथ में 1 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। दूसरी अगर बात करें 12 फीट लॉन्ग जंप आप सभी को करना होगा और वो भी उसके टोटल एक चांस होगा। हाई जंप की अगर हम बात करें तो 4 फीट उसका भी एक चांस होगा। रोप क्लाइंबिंग विदाउट किसी भी स्पोर्ट के 8 फीट आप सभी को चढ़ना होगा। अगर हम बात करें चेस्ट के बारे में तो 85 सेंटीमीटर से और 90 सेंटीमीटर इसके अंदर चेस्ट दी गई है। दोस्तों ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो ना केवल मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल कैंडिडेट के लिए भी सेमी फिजिकल स्टैंडर्ड इसने जारी किया। हालांकि बोर्ड ने अभी नोटिस जारी किया कि हमने जो भी डिक्लेयर किया नोटिफिकेशन उसी नोटिफिकेशन की तर्ज के ऊपर भर्ती करने जा रहे हैं। दोस्तों आज तक किसी भी फायरमैन भर्ती के अंदर फीमेल कैंडिडेट की जो चेस्ट है वो नहीं नापी गई। इतिहास गवाह है आज तक किसी भी फायरमैन भर्ती या फायर ऑफिसर भर्ती के अंदर फीमेल जो कैंडिडेट है उसकी चेस्ट नहीं नापी गई। बाकायदा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह जारी किया गया है कि फीमेल जो कैंडिडेट है जो कैंडिडेट फायरमैन के अंदर रिटर्न क्वालिफाई किया गया उस फीमेल कैंडिडेट को भी 85 सेंटीमीटर से और 90 सेंटीमीटर महिला के लिए चेस्ट निर्धारित रखी गई। तो सबसे बड़ी जो विवादित जो भर्ती हम इसको कह सकते हैं, हालांकि बोर्ड को इस चीज से किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो नोटिस जारी किया कि मेल और फीमेल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सेम है। अगर सेम फिजिकल स्टैंडर्ड मेल और फीमेल होता है तो दोस्तों राजस्थान वाले जितने भी जो कैंडिडेट है चाहे मेल की फायर की बात करें चाहे फीमेल फायरमैन की बात करें तो उनका भी जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सेम है। तो राजस्थान की जो महिला जो फायर फाइटर है वो भी अपना फिजिकल जो स्टैंडर्ड है उसको चेक कर ले क्योंकि मेल और फीमेल का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है दोनों का सेम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट नापी जा रही है तो हो सकता है आप राजस्थान वाले कैंडिडेट की भी जो चेस्ट है फीमेल की वो नापी जा सकती है। तो ये विवादित भर्ती हम इसको बोल सकते हैं और जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुई है सभी से यही विनती है एक अनुरोध है कि अपने एक कम्युनिटी बनाए और इस भर्ती को कोर्ट के अंदर लेकर के जाए क्योंकि आज तक ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसके अंदर महिला फीमेल जो फायर फाइटर उसकी चेस्ट नापी गई है। और दूसरा 60 केजी वेट आज तक कोई भर्ती नहीं हुई जिसके अंदर महिला जो फायर फाइटर वो 60 केजी वेट के साथ में 100 मीटर 1 मिनट के अंदर क्वालिफाई हुई। तो आप जितने भी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर फीमेल जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं उन्हें सभी से यही विनती है उन्हें सभी से यही अनुरोध है अपना एक कम्युनिटी बनाए और इस भर्ती को जितना हो सके उसको कोर्ट के अंदर लेकर के जाए। हालांकि दो दिन से ये चीजें न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखी होगी फिर भी उस बोर्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अगर आप सभी एक कम्युनिटी एक समुदाय बना करके चलते हैं
तो आप सभी का वादा है कि बीडीसर इस फायरमैन भर्ती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोर्ट के अंदर 100% लेकर के जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी का सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो कोई भी किसी भी प्रकार का काम अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो सभी से यही विनती है, सभी से यही अनुरोध है, इस भर्ती को कोर्ट के अंदर लेकर के जाए, क्योंकि आज तक कोई भर्ती नहीं हुई जिसके अंदर फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट नापी गई हो। चाहे हम बात कर ले आर्मी के अंदर, चाहे सिविल डिफेंस की बात कर ले, चाहे जितने भी अर्धसैनिक बल के अंदर जितने भी जो फीमेल भर्ती होते हैं उनकी बात करें, आज तक किसी भी फीमेल की चेस्ट नहीं नापी गई। एकमात्र ऐसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फायरमैन भर्ती जिसके अंदर महिला फायर फाइटर की चेस्ट नापी जा रही है, तो बहुत ही दुखद नहीं है। तो आप सभी से यही विनती है, इस भर्ती को कोर्ट के अंदर लेकर के जाए, और राजस्थान वाले जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो भी एक बार सचेत हो जाए, क्योंकि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी सेम है, मेल और फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों का सेम है। हो सकता है ये चीज आप सभी को भी ध्यान देखनी पड़ जाए, जो महिला फायर फाइटर है उसको भी राजस्थान के अंदर चेस्ट डिक्लेयर ना कर दे। तो आप सभी से यही विनती है, आप सभी से यही अनुरोध है कि इस चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भर्ती को आप सभी एकजुट होकर के कोर्ट के अंदर लेकर के जाए, और जितने भी जिस भी तरीके के हेल्प या सपोर्ट की जरूरत होगी हम हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप सभी को सूचित करेंगे, और कोई भी जो भी प्रॉब्लम होगी आपका तुरंत उस चीज का सोल्यूशन हम करेंगे। और भी कोई भी प्रॉब्लम हो या परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।